वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चित्रांश एकेडमी। दिस इज अनुराग श्रीवास्तव। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। और आप लोगों को जैसे कि मैथ्स का हम डेली एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, इसमें कि आपको हर एक जैसे सब्जेक्ट में, जैसे मैथ का सब्जेक्ट, मैथ के सब्जेक्ट से हम जो है एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम आपको जो है बताते हैं। तो जैसे कि अभी जो चैप्टर चल रहा है वो आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और उसमें अगर आप देखते हैं और समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और डिसलाइक करें तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं तो क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सके और भी जैसे आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। जैसे कि आज हम जो बताने चल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन, इसके पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं और उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों को का जो फॉर्मुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं और विदाउट फॉर्मुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी चीजें मैंने आपको पहले बता दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से भी आपको जो है उसमें भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। और आई बटन में जाकर के देखेंगे तो वहां भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप पहले जाकर देख सकते हैं, एक बार जाकर के देखें समझें फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपको उसका बेसिक नहीं मालूम है तो आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए आप पहले हमारे पहले जो वीडियो अपलोड किए गए उस वीडियो को आप देखें, और जिससे कि आपको इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो जो है आपको समझ में कम आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले हमारे पहले वाले वीडियो को देखना की कोशिश करें, फिर हम जो है आप इसको देखें तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई फीस नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम दैट बिकम्स 216 अपॉन 125 टाइम्स इटसेल्फ इन 1 होल 2 इयर्स कंपाउंड सेमी एनुअली। तो कंपाउंड सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है। तो डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम दैट बिकम्स 216 अपॉन 125। तो अब सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली वन मतलब वन ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, टू हाफ ईयरली होते हैं। तो वन होल वन अपॉन टू मतलब 1.5 ईयर्स में डेढ़ ईयर में कितने होंगे, 3 हाफ ईयरली होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो कंपाउंड प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें लेते हैं, प्रिंसिपल नहीं गिवन है, तो प्रिंसिपल सपोज कर लेते एक्स है, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट दे रखा 216 अपॉन 125 हो गया, किसका, प्रिंसिपल का। टाइम क्या दे रखा है, 1 होल 1/2 इयर्स दे रखा है, इसमें सेमी एनुअली है तो कितने इयर्स हो जाएंगे, 3 इयर्स हो जाएंगे, ठीक है, 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 और ये अमाउंट का फार्मूला हो गया। जैसा कि दे रखा है 216 अपॉन 25 किसका, x का हो गया 216 अपॉन 125x इक्वल टू x 1 + R कितना हो जाएगा, रेट निकालना है R/100 और 3³ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, नीचे ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल जो है कहाँ, इधर लाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा 216 अपॉन 125 एक्स अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 + R/100 हो गया क्यू। अब इसको देखिए किसका क्यू है, 6 का क्यू है ये और नीचे 5 का क्यू है, इस तरह कर सकते हैं 1 + R/100 क्यू, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बाय
5 is equal to 1 plus r upon 100. R upon 100. 1 by 5 is equal to r upon 100. 20%. कितना आ जाएगा? 20%. इस तरीके से निकालो क्या आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा, 20% हो गया। ओके, चलिए इसको नोट कर लें। ये जो है क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे और हाफ ईयरली है तो जो टाइम पीरियड होता है, अगर देखिए इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सम दैट, अगर हाफ ईयरली है तो जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तब, और अगर क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको हम एक हाफ ईयरली, कितने जो होते हैं क्वार्टरली होते हैं, 4 क्वार्टरली होते हैं, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है एनुअली है तो उसको 4 टाइम्स 4 से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली मतलब कि एनएम नहीं है, क्वार्टरली ही है तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ करके हम देखेंगे कैसे, जिस हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझे फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनएम कंपाउंड इंटरेस्ट वांटेड ₹8,000 अमाउंट, क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ₹8,000 अमाउंट टू ₹88,200 इन 2 ईयर्स, कितने में 8,000 जो अमाउंट है वो हो जाता है 88,200 इन 2 ईयर्स, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, इंटरेस्ट होता है वो ईयरली कैलकुलेट होता है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स एट अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइंड द अमाउंट फाइंड करना है 3 ईयर्स का। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स एट अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फाइंड है, प्रिंसिपल 8,000 और अमाउंट 88,200 रुपीज, उसके बाद टाइम 3 ईयर्स, एट व्हाट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ₹8,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर्स, कितने में 2 ईयर्स में 3 ईयर्स का अमाउंट निकालना है, 2 ईयर्स हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पी, इसको सॉल्व करें 88,200 8,000 1 प्लस आर अपॉन 100 882/80 आर अपॉन 100 आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर दें ना जाएगा 40 8,000, तो ये हो जाएगा 21 के स्क्वायर और ये 40 है, इसको 400 होना चाहिए वैसे, इसमें देखें तो ये 8,000 है, यहाँ जो है ये 80,000 होगा, मिस्टेक है थोड़ा, ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर है 1 प्लस आर अपॉन 100 21 बाय 20
माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन 100, फिर आर अपॉन 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 1/20। तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 5% आ जाएगा। रेट कितना आ गया, पहले 5% आ गया। अब फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स एट अवर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या निकालना, अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 80,000 1 प्लस आर 5% अपॉन 100 क्यूब 80,000 और 105 अपॉन 100 इंटू 21/20 इंटू 21/20 21/20 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ओके 441 इंटू 21 इंटू 10 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 441 इंटू 21 मतलब इसका जो क्यूब होता है वो किसका क्यूब है, क्यूब जो है इसका 441 और 21 मतलब ये क्या है 21 का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है, तो ये इसका क्यूब क्या हो जाएगा 21 का 9261 इंटू 10 क्या हो जाएगा 92610 ये हो जाएगा। इसका अमाउंट क्या आ गया 92,610 रुपीज इसका अमाउंट आ गया। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5% और अमाउंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर ले और इसको समझ ले। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम इसको दोबारा से आपको जो समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ सर्टेन सम अमाउंट ₹2 5,292 इन 2 इयर्स एंड ₹5,556.60 इन 3 इयर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द रेट एंड द सम फाइंड करना, रेट फाइंड करना और सम फाइंड करना है। सर्टेन सम ऑफ सम अमाउंट टू मतलब प्रिंसिपल जो है फाइंड नहीं है, तो 2 इयर्स में अमाउंट इन 2 इयर्स 5,292 रुपीज एंड अमाउंट इन 3 इयर्स 5,556.60 रुपीज डिफरेंस डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स 2 and 3 इयर्स कितना हो जाएगा, अगर माइनस कर दे तो 5,556.60 और 5,292.60 तो क्या हो जाएगा 60 और 264.60 रुपीज दिया जाएगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया, 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो हम किससे निकालेंगे, ये क्या आ गया, इन दोनों के 2 ईयर 3 ईयर के बीच का इंटरेस्ट आ गया 264.60 रुपीज का, मतलब क्या हो गया 1 ईयर का इंटरेस्ट है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालेंगे आर इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू टाइम होगा इंटू प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है, 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 264.60 इंटू 100 टाइम कितना हो जाएगा
टाइम है इसमें 1 ईयर, क्या हो जाएगा 1 × 5 × 2 = 9 ओके okay, अब इसको डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यार 10 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे 10 और ये, तो इसको कैंसिल कर देंगे ये, और अगर हम देखिए इसको हम कैंसिल करें तो ये और ये, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां भी 10 से कर दें और 100 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें आसानी से, अगर देखिए 10 यहां डेसिमल होता है 10 लगाया, अब एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी नीचे भी, ये 100 हो गया, ये ऊपर 0 बढ़ गया, अब ये दोनों आसानी से कैंसिल हो गए। अब यहां देखिए तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, कैसे 5 जैसे, तो क्या हो जाएगा 5% आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। अब उसके बाद निकालना क्या है, फाइंड द रेट एंड द सम। अब सम निकालना है तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे निकालेंगे 5,292 पे प्रिंसिपल, अमाउंट इज इक्वल टू 5,292 1 + 5/100 एंड द सम इन 2 ईयर्स, अमाउंट कितना हो जाएगा वो निकालना होगा। सम अमाउंट टू रूपीज 5,292 सम निकालना, मतलब प्रिंसिपल ने दिया था तो प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। तो यहां जो अमाउंट दे रखा है 2 ईयर्स से कितना 5,292 दे रखा है, 5,292 और प्रिंसिपल फाइंड करेंगे 2 ईयर्स में हो जाता है, 2 ईयर्स लिखा हमने। अब इसको जो है सॉल्व करें, 5,292 इक्वल टू पी 100 × 500 / 100 कैंसिल करेंगे 21/20, इस तरह इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकालना हो तो 5,292 × 20 × 20 / 21 ओके। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से इसको करेंगे तो अगर मान लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 441, 5,292 × 20 × 20 अब 441 देखिए 12 से कर, अगर इसको देखिए 12 से मल्टीप्लाई करें 441 को 12 से करें तो देखिए कैसे लग रहा है, ऐसा 12 × 4 = 48 लास्ट में देखिए क्या 52 आ रहा है, यहाँ अगर करें तो क्या है 12 × 4 = 48 यहाँ भी करें तो 48 और 4 कह जाएगा 48 52 हो जाएगा, मतलब एक जो है कैंसिल हो जाएगा 12 जैसे, अब 2 × 2 = 4 और 12 = 4800 कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 4800। तो अब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5% और प्रिंसिपल आ गया 4800। और जो प्रिंसिपल है वो है 4800 ओके। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें कि हमने जैसे 2 ईयर्स का अमाउंट दे रखा है तो उससे हमें निकालना होगा 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उससे हम फिर सॉल्व कर सकते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगर प्रिंसिपल नहीं दिया है तो हम कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे हमको ये वैल्यू को फाइंड करें, फिर उससे फिर आगे वाली वैल्यू को हम फाइंड कर सकें। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होता है, दिया हुआ होता है जिससे कि हम आगे आने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं दिया होगा जिससे कि हम कोई भी पॉइंट नहीं दिया हो सॉल्व करने के बोला जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें से दिया होगा जिससे कि हम उससे हम दिए हुए क्वेश्चन में जो वैल्यूज है उसमें से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा पढ़ें और जिससे कि आप ज्यादा जितना ज्यादा अच्छे समझेंगे उससे आपको जो क्या होगा प्रैक्टिस होगी और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फोर है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज 798.60 आफ्टर 3 इयर्स एंड रुपीज 878.46 आफ्टर 4 इयर्स। तो जैसे मेरा पहले वाला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला क्वेश्चन, वैसे ये भी है। फाइंड द इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम फाइंड करना है, प्रिंसिपल इसमें फाइंड करना है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट टू वॉट इन 3 इयर्स कितना हो जाता है 798.60, अमाउंट इन 4 इयर्स, 4 इयर्स में 878.46। ओके, डिफरेंस बिटवीन 3 इयर्स एंड 4 इयर्स कितना हो जाएगा 878.46, 796.60, उसके बाद इसमें से देखे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 79 हो जाएगा और ये 79.86। ओके, तो आया 79.86 हो गया। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना, तो वैसे ही निकालेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 P। इसमें जो है अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है फाइंड करना है, अमाउंट कितना हो जाएगा 3 इयर्स में 798.60, तो टाइम 3 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फाइंड है, तो हमको पहले क्या फाइंड करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो मैंने बताया जैसे कि 79.86 आया है, इंटरेस्ट आया है तो 1 इयर्स में, तो हमें निकालना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले। तो 79.86 इंटू 100 अपॉन, इसमें हटा दें क्या हो जाएगा 100 इंटू 798.6, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसमें जो है टाइम कितना था, टाइम 1 ईयर था। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 10, रेट क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। और रेट 10% आ गया, प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस पर हम पुट करेंगे, तो अमाउंट कितना हो गया 798.60 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर 10 अपॉन 100 3 इयर्स 798.60 11/10 क्यूब। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, 798.60 इक्वल टू 11 × 11 × 11, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 7986 00 11 × 11 × 11 कैंसिल कर देंगे 77 और ये कैंसिल हो गया, ऐसा आ गया। फिर से करें, इससे कैंसिल हो गया, फिर से करें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से करें 600 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो आएगा वो 600 हो जाएगा, प्रिंसिपल 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया है वो है 10%। ओके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। देखिए इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को इसको समझ लें और
नोट कर लें और या तो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे क्या आप इसको समझ सके। अगर नहीं समझ में आए इसको दोबारा से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज 1562.5 प्रोड्यूस रुपीज 1095.10 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना प्रोड्यूस करते हैं? 1095.10। तो सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल दे रखा है। क्या है सम ऑफ प्रिंसिपल? 1965.10। अमाउंट कितना हो जाएगा? वन फिफ्टी सिक्स प्लस 195.10। सेवनटीन फिफ्टी सेवन अमाउंट। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 T। ए अपॉन पी क्या जाएगा? अमाउंट कितना है? 1757.60। प्रिंसिपल कितना है? 1560 50 R/100 4% 3। इसमें डेसिमल हटा दिया 1757.60 76 15625। इसे 26/25। ओके, अब 26/25 तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये है क्यू किसका? देखिए तो 26 का ये क्यू है, नीचे किसका? 25 का क्यू है। ओके, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 3 इयर्स हो जाएगा। इस तरीके से क्या आ जाएगा? टाइम 3 इयर्स हो जाएगा। टी इक्वल टू 3 इयर्स। यहां जब ये निकाला है, क्या निकाला था? अमाउंट पहले निकाला था, क्योंकि क्या देखा? प्रिंसिपल दे रखा था और इंटरेस्ट दे रखा था। तो क्या निकाला है? यहां अमाउंट निकाला। अमाउंट निकालने के बाद हमने क्या निकाला? इससे निकाला टाइम, क्योंकि अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था, टाइम निकाला था। हम फिर उससे निकाल सकते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन था उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल और अमाउंट से हम निकाल सकते थे कि उसका टाइम क्या है। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ गया 3 इयर्स। तो इस तरीके से मैंने आज जो सारे क्वेश्चन बताए वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड थे, और ये सभी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व और जो है आपकी बुक में उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और अभी अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे हम आगे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।